देखिएगा, बेसिकली फैक्टरिंग क्या है? फैक्टरिंग एक फाइनेंशियल सर्विस है जो कि आपके डेटर्स को मैनेज करने, उनकी अगेंस्ट फाइनेंसिंग करने और उनको कलेक्ट करने की एक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यानी देखिए क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैंने अपने गुड्स को उधार बेचा हुआ है, तो मेरे पास क्या क्रिएट है? मेरी बुक्स में डेटर्स क्रिएट हैं। अब कौन सा डेटर कितने टाइम में पैसे देगा, किस डेटर से कितना अमाउंट कलेक्ट करना है, मुझे उसके लिए अपने यहां पर प्रॉपर एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट चाहिए होता है। भाई मेरा तो काम यही है कि मैं डेटर्स को क्या करता हूं, क्रेडिट पर, मतलब लोगों को क्रेडिट पर माल देता हूं, फिर उनसे मेरे पास पैसा आता है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास अभी एट प्रेजेंट एक क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बना हुआ है। इस डिपार्टमेंट का काम ही यही है कि मेरे डेटर्स के अकाउंट मैनेज करता है, देन उनकी ड्यू डेट्स पर उनसे कलेक्शन करता है। और इस समय पर मे बी पॉसिबल कि मेरे कुछ डेटर्स मुझे पैसा नहीं देते तो बैड डेट्स भी हो जाते हैं। तो मैं अपने इस सिस्टम को छोड़कर एक नए फाइनेंशियल सिस्टम पर आना चाहता हूं। और वो फाइनेंसिंग सिस्टम क्या होता है समझना, कुछ एजेंसीज बनी हुई हैं जो कि मेरे डेटर्स को रिकवर करने का काम करता है ऑन अ कमीशन बेसिस। यानी मैं अपने डेटर्स उन्हें बेच दूंगा, उसके अगेंस्ट में वो मुझे आज ही क्या दे देंगे, पैसा दे देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, वो उन डेटर्स से अमाउंट को क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। मे बी पॉसिबल कि वो बैड डेट्स की रिस्क ले भी लें, और ये भी पॉसिबल है कि वो बैड डेट्स की रिस्क न लें अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट ऑफ द फैक्टरिंग। तो इन एजेंसीज को फैक्टर्स कहा जाता है, यानी जो बेसिकली हमारे डेटर्स को मैनेज करने, कलेक्ट करने और उन डेटर्स के अगेंस्ट फाइनेंस करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इस टॉपिक में बेसिकली हमारे पास यही चीज को इवेल्युएट करने का पॉइंट आता है कि वेदर वी शुड एंगेज द फैक्टर और नॉट। क्या हमें अपने इन हाउस पर ही बने रहना चाहिए, यानी जैसा अभी हमारा प्रेजेंट सिस्टम चल रहा है, और या फिर हमें अपने डेटर्स को कलेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, आउटसोर्सिंग कर देनी चाहिए एक फैक्टरिंग एजेंसी को। तो बेसिकली वी हैव टू इवेल्युएट कि वेदर वी शुड एंगेज द फैक्टर और नॉट। यहां पर हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस हमारा इंस्टीट्यूट मांगता है, एक इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग की कैलकुलेशन, कि फैक्टर को अपॉइंट करने की वजह से हमारी क्या इफेक्टिव कॉस्ट आ रही है, और दूसरा एक नॉर्मल इवेल्युएशन डिसीजन प्रेजेंट वर्सेस फैक्टरिंग का, कि आप ये इवेल्युएट करके बताओ कि वेदर वी शुड एंगेज द फैक्टर और नॉट। दो के अलावा तीसरी वेराइटी का कोई क्वेश्चन हमारे पास नहीं आता। बट यहां पर कई सारी अजम्पशंस हैं जो हमारा इंस्टीट्यूट फॉलो कर रहा है, प्लस कुछ एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चन पर अलग अजम्पशन ली गई है, और उन्हीं अगले अटेम्प्ट के क्वेश्चंस में कुछ अलग अजम्पशन पर सॉल्व किया गया है। तो एक गो थ्रू हम जब करेंगे तो आपको कुछ अजम्पशंस वहां पर देनी पड़ेंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, और वो अजम्पशंस सारी इस तरह के क्वेश्चंस पर अप्लाई होंगी कि वेदर वी शुड एंगेज द फैक्टर और नॉट। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग में कहीं कोई पॉइंट पर अजम्पशन हमारे इंस्टीट्यूट की नहीं है, वो बिल्कुल एक सही मैनर में चल रहा है। तो आप लिखेंगे इसमें फर्स्ट पॉइंट डाल के, फैक्टरिंग इज अ फाइनेंशियल सर्विस, फैक्टरिंग इज अ फाइनेंशियल सर्विस विच इन्वॉल्व मैनेजिंग, विच इन्वॉल्व मैनेजिंग कॉमा फाइनेंसिंग, मैनेजिंग फाइनेंसिंग एंड कलेक्टिंग ऑफ अवर रिसीवेबल्स, एंड कलेक्टिंग ऑफ रिसीवेबल्स, कलेक्टिंग ऑफ रिसीवेबल्स। फुल स्टॉप। फैक्टर विल चार्ज कमीशन फॉर देयर सर्विसेज, फैक्टर विल चार्ज कमीशन
फॉर देयर सर्विसेज. लाइन चेंज करके नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे, फैक्टरिंग एग्रीमेंट्स कैन बी नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, कैन बी नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग और कैन बी रिकोर्स फैक्टरिंग और कैन बी रिकोर्स फैक्टरिंग. क्या डिफरेंस होता है इनमें, तो लाइन चेंज करके लिखेंगे, अंडर नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, अंडर नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग रिस्क ऑफ बैड डेट्स, रिस्क ऑफ बैड डेट्स क्या होगी बताइए, रिस्क ऑफ बैड डेट्स कौन लेगा, अंडर नॉन रिकोर्स में रिस्क ऑफ बैड डेट्स फैक्टर बियर करेगा, तो रिस्क ऑफ बैड डेट्स बियर्स बाय फैक्टर, बियर बाय फैक्टर एंड चार्ज हाई कमीशन, एंड चार्ज हाई कमीशन. वेयर एज अंडर रिकोर्स फैक्टरिंग, वेयर एज अंडर रिकोर्स फैक्टरिंग रिस्क ऑफ बैड डेट्स रिमेन्स विथ द एंटिटी, अंडर रिकोर्स फैक्टरिंग रिस्क ऑफ बैड डेट्स रिमेन्स एंटिटी. तो ये टर्म ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन में क्या आ रही है नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग है तो रिस्क किसके पास जाएगी, फैक्टर के पास, और अगर रिकोर्स फैक्टरिंग है तो, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वी ऑलवेज अज्यूम एज अ नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, यानी हमारे पास अगर क्वेश्चन में कभी लिखा हुआ ना आए तो हमारा इंस्टीट्यूट जो अजम्पशन लेकर काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है, हमें उस फैक्टरिंग एग्रीमेंट को नॉन रिकोर्स मानना है. तो एक नोट डाल के लिख लेंगे, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अज्यूम नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अज्यूम नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग. लिखें, देयर मे बी टू सिचुएशन, हा अगला पॉइंट, देयर मे बी टू सिचुएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ फैक्टरिंग, देयर मे बी टू सिचुएशंस इन रेस्पेक्ट ऑफ फैक्टरिंग. ए, इवैल्यूएशन ऑफ फैक्टरिंग प्रपोजल, ए इवैल्यूएशन ऑफ फैक्टरिंग प्रपोजल, यानी इवैल्यूएशन ऑफ फैक्टरिंग प्रपोजल का मतलब क्वेश्चन आएगा वेदर वी शुड एंगेज द फैक्टर और नॉट, यानी हमें यह देखना है कि क्या हमें फैक्टर को अपॉइंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. हाँ, हम एक इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉलो करेंगे कि अपॉइंट करने की वजह से हमें क्या क्या फायदे हैं और अपॉइंट करने की वजह से हमें क्या क्या नुकसान, तो पहले हम इसी को बात कर लेते हैं फिर बी पार्ट को अपन लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. तो लिखें, अंडर दिस सिचुएशन वी हैव टू प्रिपेयर नेट बेनिफिट स्टेटमेंट, वी हैव टू प्रिपेयर नेट बेनिफिट स्टेटमेंट. तो एक स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ नेट बेनिफिट.
देखिए नेट बेनिफिट का बस इतना सा मतलब होता है, ए पार्ट बेनिफिट्स निकालो, बी पार्ट उससे होने वाले जो कॉस्ट है वो निकालो, एंड देन हमारे पास नेट बेनिफिट आ जाएगा। तो बनाएं स्टेटमेंट ऑफ नेट बेनिफिट, स्टेटमेंट ऑफ नेट बेनिफिट। सबसे पहले ए पॉइंट, बेनिफिट्स ड्यू टू फैक्टर, बेनिफिट्स ड्यू टू फैक्टर। सेविंग इन बैड डेट्स, अगर नॉन रिकोर्स है तो सेविंग इन बैड डेट्स हो जाएगा। हाँ अगर रिकोर्स आती है तो ये सेविंग में ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, क्योंकि फिर हमारी सेविंग हो ही नहीं रही है। फिर लिखेंगे सेविंग इन क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। भाई अभी हमें क्या मेंटेन करना पड़ रहा था, एक क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट था, तो अब हमें उस डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं होगी या कम होगी, तो वहां पर क्या होने लग जाएगी, हमारे पास कुछ सेविंग हो जाएगी। सेविंग इन कैश डिस्काउंट, हो सकता है अभी हम प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए क्या ऑफर कर रहे थे अपने डेटर को, कुछ कैश डिस्काउंट ऑफर कर रहे थे जो फैक्टर नहीं देगा, तो बेसिकली यहां पर हमारे पास कैश डिस्काउंट में सेविंग आ जाएगी। सेविंग इन इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल ब्लॉक्ड, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक्ड। बेसिकली फैक्टर क्या करता है, हमें आज ही हमारे से डेटर लेगा तो आज ही हमें पैसा दे देगा, कुछ पैसा रोक कर रिजर्व के रूप में, बाकी पैसा वो हमें एडवांस दे देता है। तो हमें अपने प्रोडक्शन पर्पस के लिए जो पहले वर्किंग कैपिटल लोन लेने पड़ते थे वो चेंज हो गए, तो हमारे पास क्या होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट में कुछ सेविंग्स हो जाएं। हो सकता है कि इंटरेस्ट कॉस्ट की एडिशनल कॉस्ट आ रही हो तो वो नीचे चला जाएगा नुकसान में, वो हम कंपेयर करेंगे तब हमें पता लगेगा। ठीक है, अदर्स सेविंग्स, अदर सेविंग्स, अगर आपको और भी कोई सेविंग्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है वो आ जाएगी, ये लीजिए हमारे पास टोटल सेविंग्स आ गई। बी कॉस्ट ड्यू टू फैक्टरिंग, कॉस्ट ड्यू टू फैक्टरिंग, कॉस्ट ड्यू टू फैक्टर को अपॉइंट करने की वजह से हमारे क्या क्या नुकसान है, एक तो है हमारे पास फैक्टरिंग कमीशन, फैक्टरिंग कमीशन, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय फैक्टर, इंटरेस्ट चार्ज बाय फैक्टर, अदर कॉस्ट, आपको वो एडवांस दे रहा है तो वो भी तो आपसे पैसे लेगा भाई, सीधी सी बात है, आप उसको तो मिलेंगे पैसे 3 महीने बाद, वो वही बात हो जाती है, वो डिस्काउंटिंग अलग से होती है, वो इंटरेस्ट के रूप में ही लेते हैं हम उसको, क्योंकि तो हमारे पास आता है भाई वो डिस्काउंट जो कर रहा है वो बेसिकली एक इंटरेस्ट रेट ही होती है, कमीशन तो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कमीशन तो रिसीवेबल की वैल्यू पर लेगा, बट आपको वो कैश दे रहा है तो उस पर कुछ एडवांस तो लेगा ही ना वो आपसे पैसा, तो भाई एक तो वो कमीशन चार्ज करेगा क्योंकि वो आपकी बैड डेट्स की रिस्क उठा रहा है, आपके डेटर को मैनेज कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, और चूंकि वो एडवांस में पैसा दे रहा है तो वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट इंटरेस्ट के रूप में भी चार्ज करता है। इंटरेस्ट चार्ज बाय फैक्टर और अदर कॉस्ट, अदर ये लीजिए ये आपके पास टोटल कॉस्ट, देन ए माइनस बी आपके पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी नेट बेनिफिट,
नेट बेनिफिट, बस इतना सा स्टेटमेंट है, लेकिन इस स्टेटमेंट के पीछे हमारे इंस्टीट्यूट की बहुत सारी अजम्पशंस काम कर रही हैं कि आप किस तरह से कैसे कैसे अज्यूम करोगे चीजों को, लिखेंगे अजम्पशंस। अजम्पशंस सबसे पहली अजम्पशन, पेमेंट ऑफ अप फ्रंट कमीशन पेमेंट ऑफ अप फ्रंट कमीशन यह सबसे पहला हमारे इंस्टीट्यूट की अजम्पशन है। हालांकि यह अजम्पशन इंस्टीट्यूट ने खुद ने ही वॉयलेट कर रखी है, किसी क्वेश्चन में तो वो अपफ्रंट मान के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और किसी क्वेश्चन में वो अपफ्रंट नहीं मानते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, इसका इंपैक्ट सीधे सीधे इंटरेस्ट कॉस्ट पर पड़ता है। सुनना, अपफ्रंट का मतलब होता है कि फैक्टर बोल रहा है कि मैं तुम्हें जैसे ही एडवांस दूंगा ना, मैं उसी में से अपने कमीशन को काट लूंगा, और भाई मैं तुम्हें पहले एडवांस का पैसा दूंगा, फिर तुम शाम को फिर मेरे घर पे आओगे और बोलोगे ये लो आपका कमीशन, तो इससे अच्छा यह है कि मैं तुम्हें कमीशन का पैसा काट के दूं। दूसरा रूल, इंस्टीट्यूट बोलता है कि कमीशन अपफ्रंट नहीं है, इन अरियर चल रहा है। अगर देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए तब तो समस्या ही नहीं है, अपफ्रंट आ गया तो एडवांस कमीशन है, और इन अरियर लिखा हुआ आ जाए तो एंड पर कमीशन है। लेकिन बात यह आ रही है कि जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो आपको क्या करना है। दो इंस्टीट्यूट के लगातार दो अटेम्प्ट में दो क्वेश्चन आए, एक में सिमिलर तरह के क्वेश्चन को अपफ्रंट मान के सॉल्व किया हमारे इंस्टीट्यूट ने, और एक में अपफ्रंट नहीं माना और नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व किया। अब रीजन क्या था इनका समझना, प्रैक्टिकल मार्केट हमेशा अपफ्रंट की बातें करता। अगर मैं प्रैक्टिकल डील देखूं, यानी प्रैक्टिकल इन द सेंस मार्केट में जो प्रोसेस चलता है, तो एक बहुत सिंपल सी बात है, फैक्टर हमेशा आपको आपके रिसीवेबल का पेमेंट करते समय अपने कमीशन का पैसा पहले काटेगा और फिर ही आपको क्या देगा, एडवांस देगा। तो पहली अजम्पशन हमारी अपफ्रंट कमीशन को लेकर आती है। नाउ द पॉइंट इज, अब एग्जाम में हम क्या करें, तो देखिए दो ही सिचुएशन है हमारे पास, या तो हम क्वेश्चन को दो बार सॉल्व करें, अज्यूमिंग एज अपफ्रंट, अज्यूमिंग एज इन अरियर, बट उतना टाइम चूंकि अवेलेबल नहीं होता एक छह नंबर के क्वेश्चन के लिए, तो इस पर अगर हम एनालिसिस ऑफ द इंस्टीट्यूट आंसर्स करें, तो जहां पर आपके पास एक फुल फ्लैश फैक्टरिंग क्वेश्चन चल रहा है 8 to 10 marks, जहां पर्टिकुलर डील दी हुई है पूरी, तो आपको हमेशा क्या मानना चाहिए, अपफ्रंट, क्योंकि रियलिस्टिक भी यही है। देखिएगा तो हमारे पास अपफ्रंट में दो बातें हो गई, इफ वी अज्यूम एज अपफ्रंट कमीशन देन दिस अमाउंट शुड बी डिडक्टेड This amount should be deducted from advance granted by a factor. क्योंकि सीधी सी बात है, अगर वो पैसा काट लेगा तो वो हमें एडवांस कम देगा, तो हमें उसको ब्याज भी कम देना पड़ेगा, तो इस वजह से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में आ जाता है। तो अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि अपफ्रंट है, तो आपको इस अमाउंट को क्या करना रहेगा, डिडक्ट, और अगर आप ये अज्यूम करते हो कि अपफ्रंट नहीं है तो आपको डिडक्ट नहीं करना, तो वो अमाउंट उस तरह से चलेगा। तो पहली अजम्पशन इस पॉइंट को लेकर आती है। अजम्पशन नंबर टू, इंफॉर्मेशन ऑफ कॉस्ट रेशियो
इंफॉर्मेशन ऑफ कॉस्ट रेशियो. कई बार आपको क्वेश्चन में कॉस्ट रेशियो दे देगा, आपकी 80% कॉस्ट ऑफ सेल्स है, 70% कॉस्ट ऑफ सेल्स है. तो अब बात यह आती है, क्या हमें जो वर्किंग कैपिटल ब्लॉक निकालनी है वो किस पर निकालनी है, कॉस्ट के ऊपर निकालनी है या डेटर के अमाउंट पर निकालनी है. समझना, मेरी क्रेडिट सेल हुई है 1 लाख रुपए की और कॉस्ट रेशियो दे रखा है 80%. अब मेरे पास दो ऑप्शन बन गए वापस. मैं ये मानूं कि यार मुझे 1 लाख के 80% यानी कॉस्ट रेशियो पर काम करना है या मुझे कंप्लीट डेटर पर काम करना है. अगेन इसके भी हमारे पास दो क्वेश्चन में दो आंसर्स हैं. सेम क्वेश्चन, कॉस्ट रेशियो इज गिवन, तो इंस्टीट्यूट अज्यूम कि आपको कॉस्ट रेशियो पर वर्क करना है एंड सेकेंड अजम्पशन कि आपको कॉस्ट रेशियो ना लेकर रिसीवेबल लेना है. अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, प्रैक्टिकली मार्केट में क्या होता है. सुनना, जब भी कॉस्ट रेशियो होता है तो जब मैं इन हाउस मैनेजमेंट की बात करता हूं, इन हाउस का मतलब नो फैक्टरिंग, इन हाउस मैनेजमेंट मतलब नो फैक्टरिंग, इन हाउस मतलब नो फैक्टरिंग. तो यहां पर इंटरेस्ट विल ऑलवेज कैलकुलेट ऑन कॉस्ट बेसिस, ऑन कॉस्ट बेसिस. समझो, मैंने माल बेच दिया, अब मुझे दोबारा प्रोडक्शन करने के लिए वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए. अब प्रॉब्लम क्या है, मैं वर्किंग कैपिटल लोन जब लेने जाऊंगा, जब मैं माल बेचता हूं ना तो उसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों इंक्लूड होते हैं. दोबारा माल बनाने के लिए मुझे प्रॉफिट का पैसा भी चाहिए या केवल कॉस्ट का ही पैसा चाहिए, तो मैं क्यों जाकर एक्स्ट्रा लोन लूंगा, मैं अपनी ब्याज की कॉस्ट को क्यों बढ़ाऊं. आप समझ रहे हो, मान लो 80,000 में मेरा माल बनकर तैयार हो जाता है, मैं उसमें 20 का प्रॉफिट जोड़ता हूं और 1 लाख में डेटर को बेचता हूं, तो दोबारा गुड्स बनाने के लिए मुझे कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए, 1 लाख के 80,000, 80,000 ही चाहिए ना, तो मैं क्यों जाकर बैंक से 1 लाख का लोन लूंगा. यानी प्रॉफिट के अमाउंट का लोन क्यों लिया जाए, जब मुझे खुद ही इन हाउस मैनेज करनी है सारी चीजें, तो मैं हमेशा यही चाहूंगा कि मुझे जितना गुड्स बनाने के लिए पैसा चाहिए मैं केवल उतनी ही वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग लूं. प्रैक्टिकली यही चीज सबसे बेस्ट है. तो इन हाउस मैनेजमेंट में मुझे हमेशा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किस पर करनी चाहिए, कॉस्ट पर करनी चाहिए. अब आते हैं फैक्टरिंग अरेंजमेंट पर. फैक्टर हमारे रिसीवेबल के अगेंस्ट में एडवांस देता है, उसको कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है. फैक्टर क्या बोल रहा है, सुनना बहुत ध्यान से, जब मैं फैक्टरिंग के पास अरेंजमेंट के लिए जाता हूं ना, मैं फैक्टर को यह थोड़ी बोलूंगा यार तू मुझे केवल कॉस्ट का पैसा एडवांस दे दे. फैक्टर हमारे लिए जो वर्क करता है वो होता है हमारे रिसीवेबल को परचेस करना. अगर वो हमारे रिसीवेबल को परचेस कर रहा है ना, तो एडवांस जो देगा वो किसके अगेंस्ट देगा, रिसीवेबल के. तो इसका मतलब प्रॉपर अप्रोच क्या कहती है कि अंडर द फैक्टरिंग अरेंजमेंट इंटरेस्ट शुड ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन रिसीवेबल्स अमाउंट, नॉट ऑन कॉस्ट बेसिस. क्योंकि फैक्टरिंग के साथ मेरा इस तरह का एग्रीमेंट कभी भी मार्केट में नहीं होता कि यार मेरे जितने डेटर हैं तू केवल उसकी कॉस्ट, पैसा तो डेटर से पूरा रिकवर करूंगा. जो फैक्टरिंग है वो केवल एक एजेंट है, यानी वो एक कमीशन बेसिस पर काम करने वाला पर्सन है जो ये बोल रहा है कि यार मैं आपके रिसीवेबल को परचेस कर रहा हूं, तो मैं आपको जो एडवांस दूंगा वो क्या दूंगा, कॉस्ट पर थोड़ी दूंगा, मैं रिसीवेबल के अगेंस्ट दूंगा. तो यानी अगर मैं फैक्टरिंग अरेंजमेंट की बात करूं, फैक्टरिंग, तो इंटरेस्ट कॉस्ट मस्ट बी, इंटरेस्ट कॉस्ट मस्ट बी ऑन रिसीवेबल्स. ये हमारे इंस्टीट्यूट की एक दूसरी समस्या है फैक्टरिंग को लेकर. अब इसको मैं ये जरूर मान सकता हूं कि
आने वाले अभी रीसेंट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आए ना, वो इन्होंने बहुत सही अप्रोच पर दिए हैं, और जो आरटीपी में और पुराने स्कैनर के क्वेश्चन हैं उनमें ये अजम्पशन सारी गलत चल रही हैं। बट अगर मैं बात करूं कि 2015 से लेकर जितने भी फैक्टरिंग के क्वेश्चन आए, बहुत प्रॉपर अप्रोच के आंसर इशू किए इंस्टीट्यूट ने, जो एक्चुअल में होने चाहिए। लेकिन अगर आप उनकी आरटीपी या उससे पहले के क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये डिफरेंसेस लगभग हर क्वेश्चन में दिखाई देंगे। यानी अगर क्वेश्चन में कॉस्ट रेशियो गिवन है तो उन्होंने दोनों में कॉस्ट रेशियो ले लिया, इन हाउस में भी कॉस्ट रेशियो ले लिया और फैक्टरिंग में भी कॉस्ट रेशियो ले लिया, जबकि प्रैक्टिकली ये टोटली रॉन्ग सिचुएशन है। क्योंकि कॉस्ट रेशियो मेरे लिए तो रेलेवेंट हो सकता है, बट जो फैक्टर है वो मुझे मेरे रिसीवेबल के अगेंस्ट एडवांस देता है, तो उसका इंटरेस्ट हमेशा किस पर आना चाहिए? रिसीवेबल पर। तो मैं आपको यह मानते हुए करवा रहा हूं कि अब आने वाले में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सब नए अकॉर्डिंगली होंगे आपके, जो 2015 के बाद इन्होंने इशू किए हैं। तो वहां पर आपको हमेशा कॉस्ट रेशियो का ट्रीटमेंट इस तरह से करना है। यानी जब आप इन हाउस की बात कर रहे हो तो कॉस्ट रेशियो लगेगा, और जब जब आप फैक्टरिंग के ऊपर इंटरेस्ट निकाल रहे हो तो आपको रिसीवेबल पर इंटरेस्ट निकालना रहेगा। ये दूसरी अजम्पशन है। पॉइंट नंबर थ्री, तीसरी अजम्पशन, इफ इन द क्वेश्चन कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज गिवन, कैपिटल इज गिवन, समझना, एक टर्म यूज करते हैं कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। व्हाट डज इट मीन? इट मींस वेदर वी शुड गो फॉर द फैक्टरिंग और नॉट, द इंटरेस्ट कॉस्ट रिमेन्स सेम। अगर वो आपको अलग अलग इंटरेस्ट रेटें न देकर केवल एक लाइन दे रहा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द कंपनी 12%, इसका मतलब जब आप इन हाउस में थे तो भी आपको फंड अरेंज करने के लिए 12% देना पड़ता था, और अगर आप फैक्टरिंग पर जाओगे तो फैक्टर भी आपसे 12% लेगा। यानी आपके लिए जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसकी रेट जो है वो बिल्कुल क्या रहेगी दोनों पार्ट में? इक्वल। कई क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट बजाय अलग अलग रेटें देने के एक टर्म यूज कर लेता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। तो अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल टर्म दी हुई है तो इट रिप्रेजेंट कि दोनों अल्टरनेटिव में आपकी कॉस्ट सेम रहेगी, इंटरेस्ट रेट रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम अंडर बोथ ऑल्टरनेटिव। अंडर बोथ ऑल्टरनेटिव, ये तीन हमारे पास बेसिक अजम्पशंस हैं। एक और पॉइंट हम लिख लेते हैं, फोर्थ पॉइंट डाल के, अंडर फैक्टरिंग अरेंजमेंट अरेंजमेंट अंडर फैक्टरिंग अरेंजमेंट अमाउंट नॉट एडवांस्ड बाय फैक्टर शुड बी अरेंज्ड थ्रू इन हाउस फैसिलिटीज, शुड बी अरेंज्ड थ्रू इन हाउस फैसिलिटीज
नाउ व्हाट डज इट मीन? देखिए क्या होता है, जब हमने अपने रिसीवेबल फैक्टर को बेचे तो फैक्टर ने क्या किया, मान लो हमारे 1 लाख के रिसीवेबल थे, सुनना बहुत ध्यान से, उसमें से उसने सबसे पहले तो अपना 2% का अपफ्रंट कमीशन काट लिया, तो 1 लाख पे 2% हमारे 2,000 रुपए तो ये कम हो गए। फिर उसने क्या किया, कुछ रिजर्व के रूप में पैसा रख लिया। फैक्टर जनरली क्या करता है, फॉर द सिक्योरिटी बीइंग कि भाई आपकी डेटर्स की लिस्ट कहीं फर्जी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं आपने डेटर्स तो इतने बना दिए बट एक्चुअल में हो ही ना, वो कुछ रिजर्व रोक लेता है। मान लो उसने 10% का रिजर्व रखा, ठीक है। अब बात यह आई, वो 10% रिजर्व किसका रखेगा, रिसीवेबल का भी रख सकता है और जो रिमेनिंग अमाउंट बचा उसका भी, बट जनरली वी अज्यूम कि वो रिजर्व किस पर रख रहा है, रिसीवेबल पर। तो 10,000 उसने वो रोक लिए, इसका मतलब उसने 1 लाख के रिसीवेबल के बदले में मुझे पैसा कितना दिया, 88। तो अभी तो मुझे और पैसा भी तो चाहिए, तो मैं जो बाकी के वो 12,000 शॉर्ट पड़ गए, वो 12,000 अपने इन हाउस फैसिलिटी से अरेंज करूंगा। यानी जब आप फैक्टरिंग की इंटरेस्ट कॉस्ट निकालोगे तो दो एलिमेंट आएंगे आपके पास, फैक्टरिंग का ब्याज तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन बचे हुए अमाउंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन हाउस फैसिलिटी पर भी जाना पड़ेगा। कंपनी ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्ड दे रखा है कंपनी के लिए, आपको उस केस में एक ही रेट होंगी ना, दो रेटें होंगी नहीं क्वेश्चन में, तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि इन हाउस की भी वही रेट थी और फैक्टर भी वही इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। भाई अजम्पशंस हैं, आपके पास जब दो रेटें ही नहीं है तो अब आप क्वेश्चन को तो सॉल्व करोगे ना, नहीं, इंटरेस्ट का इंपैक्ट तो आएगा, रेट सेम बोली है मैंने, अमाउंट सेम नहीं बोला, इंटरेस्ट का इंपैक्ट क्यों नहीं आएगा, वहां कॉस्ट रेशियो दे दिया और वहां नहीं दिया तो अपने आप इंटरेस्ट का इंपैक्ट आ गया, टाइम पीरियड अलग अलग हो सकता है। आपको अगर कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी हुई है तो वी ऑलवेज अज्यूम कि जो इंटरेस्ट रेट है वो दोनों अल्टरनेटिव में इक्वल रखनी है आपको, और अमाउंट कैलकुलेट करेंगे उस हिसाब से। नाउ और एक लास्ट अजम्पशन जो फैक्टरिंग रिजर्व को लेकर है, कैलकुलेशन ऑफ फैक्टरिंग रिजर्व, फैक्टरिंग रिजर्व, देखिएगा ऑल्टरनेटिव दो चल रहे हैं इसके भी आपके पास। सबसे पहले अपने रिसीवेबल्स लिए, ये आपके रिसीवेबल्स का अमाउंट आ गया, इसमें से माइनस करोगे कमीशन, अपफ्रंट अज्यूम करते हुए, तो ये नेट वर्ड आ गया, नेट रिसीवेबल, नेट रिसीवेबल्स। नाउ अब इसमें से फैक्टर जो रिजर्व रख रहा है वो माइनस करोगे, फैक्टर्स रिजर्व, यहां पर फिर हमारे पास अजम्पशन है, सुनना, फैक्टरिंग रिजर्व में निकाल रहा हूं रिसीवेबल इनटू परसेंटेज, यानी रिसीवेबल के अमाउंट पर, और यहां पर हमारा इंस्टीट्यूट कई क्वेश्चंस में निकालेगा नेट रिसीवेबल्स इनटू परसेंटेज ऑफ रिजर्व। ये लीजिए, फिर आंसर अलग हो गए हमारे, इतनी अजम्पशंस पर हमारा इंस्टीट्यूट काम कर रहा है। यहां तो फैक्टरिंग रिजर्व किस पर निकाला, रिसीवेबल की वैल्यू पर, और यहां पर पहले कमीशन माइनस किया और कमीशन माइनस करने के बाद जो नेट रिसीवेबल आया रिजर्व इस अमाउंट पर निकाला उसने। दो अल्टरनेटिव आंसर चल रहे हैं आपके, कुछ नहीं कर सकते, कई आप क्वेश्चन करोगे इस तरह से कर रखा होगा, कुछ क्वेश्चन में इस तरह से कर रखा है, प्रैक्टिकल मार्केट ये चलता है, प्रैक्टिकल अप्रोच ये है हमेशा। क्योंकि समझो आप टोटल का कैसे, आप बोल रहे हो कि कमीशन तो तूने पहले ही रख लिया हमारा, तो अब जो पैसा हमारा बनता है उसी में से तो तू और रोक सकता है, अगर इसमें से रुकवा दिया तो उसने हमारा ज्यादा पैसा रोक लिया, मतलब कमीशन के पैसे को डबल बार इंपैक्ट आ जाता है।
तो बेसिकली पॉइंट ये है कि रिजर्व जो कैलकुलेट होना चाहिए वो किस पर होना चाहिए, नेट रिसीवेबल पर कैलकुलेट होना चाहिए, कि सबसे पहले आपका कमीशन कटेगा, क्योंकि कमीशन तो पूरा उसका ही बनता है ना, उसको रोक के रखने की क्या बात हुई, आप समझ रहे हो। फैक्टर कमीशन ही इस बात का ले रहा है कि मैं तेरे लिए काम करूंगा, तो फैक्टरिंग का कमीशन हमने पहले काट लिया। अब एक्चुअली में हम इसी के लिए एंटाइटल थे, तो रिजर्व इसी वैल्यू पर लगना चाहिए कि अब भैया मेरा इतना पैसा बनता है उसमें से मैं 20% और काट लूंगा। तो फैक्टरिंग रिजर्व हमेशा नेट रिसीवेबल पर आना चाहिए। यानी अब आप देखो कितने तरह की अजम्पशंस के साथ ये क्वेश्चन चलेंगे, हर क्वेश्चन एक डिफरेंट वे में आएगा आपका आंसर। आप जिस अजम्पशन को फॉलो करोगे, और एक और सबसे बड़ी जो समस्या है वहां जो आंसर होगा फैक्टरिंग का वही चेक होता है। यानी अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है ना, तो 90-95% बच्चों का गलत होता है, और होगा। आपने अगर इस अजम्पशन को ले लिया, इंस्टीट्यूट की अजम्पशन ये हो गई, जीरो नंबर हो गए, आगे ऊपर से सारा गलत कर देंगे वो। आपने उस अजम्पशन को ले लिया, इंस्टीट्यूट इस अजम्पशन से आ गया, तो गलत हो जाएगा। हाँ, अगर इफेक्टिव कॉस्ट जो सेकंड वैरायटी का क्वेश्चन आता है, हालांकि आता वो ही है ज्यादा, ये बहुत कम आता है, लेकिन अभी रिसेंटली पिछले अगर मैं 6 अटेम्प्ट देखूंगा तो 4 बार ये क्वेश्चन आया है पेपर में, और उसमें सबके नंबर कटे हैं, बिल्कुल जीरो मिले हैं लगातार सब बच्चों को। मैंने जिसकी भी कॉपीज बच्चों ने मंगवा के दिखाई, किसी को भी फैक्टरिंग में जीरो के ऊपर कुछ नहीं मिला। हर अजम्पशन हमारी अलग हो जाती है इंस्टीट्यूट की फैक्टरिंग को लेकर। ये 5 अजम्पशंस आपके पास चल रही हैं। अब देखिएगा किस तरह से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। एक बार आपको वो जो पीडीएफ भेजी है, एक बार वो निकालेंगे। आप इनके साथ बैठ जाओ, आगे आ जाओ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 है, पेज नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 24, आज तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो फैक्टरिंग का आया है वो यही आया है। बस 4 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, 2 अलग-अलग फैक्टर थे, दोनों ने रिकोर्स और नॉन रिकोर्स दोनों फैक्टरिंग, मतलब 4 बार ये क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका, और 12 नंबर का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। जो पहले से डील ना किया हुआ हो तो मैनेजेबल ही नहीं, 4 बार किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको, और उस स्पीड कितनी चाहिए देखिएगा। सुनना इसने क्या बोला है, एक कंपनी है वो अपने अकाउंट्स रिसीवेबल को इंटरनली मैनेज कर रही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेजर एडमिनिस्ट्रेशन आपकी 10 लाख है, कंपनी की एक क्रेडिट पॉलिसी चल रही है 2/10 net 30। व्हाट डज इट मीन 2/10 net? अगर आपके डेटर 10 दिन में आपको पैसा दे देते हैं तो आप उनको 2% डिस्काउंट दे रहे हो, अदरवाइज आपका जो क्रेडिट पीरियड चल रहा है वो 30 डेज है, दैट इज योर क्रेडिट पीरियड। पास्ट एक्सपीरियंस कंपनी का बताता है कि 40% ऑफ द कस्टमर हैं वो 10 दिन में पैसा दे देते हैं, लेकिन बाकी के डेटर 90 दिन में पैसा देते हैं आपको। यानी अब ये 30 मेरे लिए बेकार हो गया, क्योंकि मेरा एक्चुअल कलेक्शन कितने दिन में हो रहा है, 90 दिन में। इसमें से 40% लोग 10 दिन में देंगे और 60% लोग 90 दिन में। बैड डेट्स 1.5% है, अगले साल की प्रोजेक्टेड सेल है 1000 करोड़, आपका जो डेट इक्विटी मिक्स है
ये बोल रहे हैं कि हम जो फाइनेंस लेते हैं ना वो 70 और 30 के रेशियो में लेते हैं, यानी 70% पैसा तो बैंक की क्रेडिट है और 30% हमारा लॉन्ग टर्म लोन है, जिनकी दो अलग अलग रेटें दी हुई हैं। यानी इन हाउस में अभी हमारे पास एक WACC चल रही है, 13% की रेट इंटू इसका प्रपोर्शन 0.7 है और प्लस 15% की रेट इंटू इसका प्रपोर्शन 0.30 है। बताइए व्हाट व्हाट इज अवर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी इन हाउस में हम इस तरह से फंड अरेंज कर रहे हैं, 13.6%। नाउ हमें लग रहा है कि इन हाउस की जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ती जा रही है, तो अब मैनेजमेंट फोकस करना चाहता है आउटसोर्सिंग पर विथ अ गारंटीड पेमेंट ऑफ 30 डेज। देखिएगा, प्रपोजल फर्स्ट आया है फाइन बैंक फैक्टर लिमिटेड से, वो बोल रहा है अगर आप मेरे साथ रिकोर्स फैक्टरिंग करते हो तो मैं 88% पैसा एडवांस दे दूंगा, यानी 12% में काट लूंगा आपका रिजर्व के रूप में, और अगर आप मेरे पास नॉन रिकोर्स अरेंजमेंट के लिए आते हो तो मैं 84% पैसा आपको दूंगा। डिस्काउंट चार्जेस इन एडवांस यानी इंटरेस्ट रेट 21% है रिकोर्स में और 22% है विदाउट रिकोर्स में। कमीशन उल्टा दे रखा है, पहले विदाउट का दे रखा है, ये भी उल्टे सीधे देते हैं ये। 4.5% कमीशन तो है विदाउट रिकोर्स में और 2.5% है रिकोर्स में। आ गया हो, फिर एक और आया रफ बैंक फैक्टर, 84% एडवांस देगा रिकोर्स में, 80% देगा नॉन रिकोर्स में। इंटरेस्ट है 21 और 20। कमीशन, आप देखो यहां लिख दिया इसने कमीशन अप फ्रंट, और ऊपर वाले में ये टर्म यूज नहीं की, बट अवर इंस्टीट्यूट सेस दोनों अप फ्रंट रहेंगे, तो ऊपर वाले को भी इन्होंने किससे सॉल्व किया, अप फ्रंट मान के सॉल्व किया है। तो ये अप फ्रंट कमीशन हमारा आ गया 3.6 और 1.8। द ओपिनियन ऑफ द चीफ मार्केटिंग मैनेजर इज दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैक्टरिंग अरेंजमेंट हिज स्टाफ वुड बी एबल एक्सक्लूसिवली फोकस ऑन सेल्स प्रमोशन विच वुड रिजल्ट इन एडिशनल सेल ऑफ 10% द प्रोजेक्टेड सेल। अगर हम फैक्टर अरेंजमेंट को लगा देंगे तो 1000 की जगह सेल 1100 होने लग जाएगी, क्यों, क्योंकि हमारे जो अब वर्क होगा हमें डेटर्स पे तो ध्यान ही नहीं देना, तो उस वजह से हमारा जो स्टाफ है वो सेल्स प्रमोशन पर ध्यान दे पाएगा और उस वजह से हमारी सेल्स बढ़ जाएगी। आपको बताना है एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट इनमें से कौन सा प्रपोजल बेस्ट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइन बैंक फैक्टर के साथ, तो लिखो फाइन बैंक फैक्टर, फाइन बैंक फैक्टर। इसमें हम दो कॉलम बना देंगे, रिकोर्स और नॉन रिकोर्स, ताकि हमारे पास बस केवल अमाउंट लिखने का रहे, और ये हम एक बार में ही डाल देंगे फाइन बैंक फैक्टर के साथ रिकोर्स और नॉन रिकोर्स। ए बेनिफिट्स, सेविंग इन बैड डेट्स। बताइए रिकोर्स में होती है या नॉन रिकोर्स में होगी। रिकोर्स में रिस्क किसके पास है, बैड डेट्स की, हमारे पास है ना, तो हम चाहे फैक्टर पर जाएं चाहे न जाएं, अगर रिकोर्स फैक्टरिंग करोगे तो बैड डेट्स में कोई सेविंग नहीं होगी। वापस से देखना, अगर आप फैक्टर के साथ रिकोर्स फैक्टरिंग में जाते हो तो बैड डेट्स की रिस्क आपकी है, तो अगर बैड डेट्स की रिस्क आपकी है तो इसका मतलब सेविंग तो होगी नहीं, और यहां पर बैड डेट्स बचने लग जाएंगे 1000 की सेल इंटू 1.5% 15, ये आपका सेविंग इन बैड डेट्स। सेविंग इन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेविंग इन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट,
ये दोनों में बचेगी आपकी कितनी थी, 10 करोड़। तो 10 करोड़ की आपकी सेविंग इधर भी होगी और इधर भी होगी। सेविंग इन कैश डिस्काउंट, देखो ध्यान से, दो फैक्टर और हाँ तो चार हो गए ना, बिल्कुल। देखिएगा सेविंग इन कैश डिस्काउंट, सुनना बहुत ध्यान से, हमारी 1000 करोड़ की सेल होती थी, इसके 40% लोग हमें 10 दिन में पैसा देते थे, तो हमें उनको डिस्काउंट देना पड़ता होगा, और into 2% की हमारी डिस्काउंट कॉस्ट आती है। 2% डिस्काउंट देते हैं हम अपने डेटर को, तो 1000 के 40% लोग ही डिस्काउंट लेंगे और उन पर हमारी 2% की डिस्काउंट कॉस्ट आएगी। तो दोनों केस में हमारी सेविंग एंड डिस्काउंट हो गई 8। अगर इंस्टीट्यूट सही अजम्पशन दे दे तो ये इतने इजी क्वेश्चन होते हैं। ये 12 नंबर का क्वेश्चन मुश्किल से 10 से 12 मिनट लेता है, लेकिन अजम्पशंस की वजह से सारी गलतियां हैं, वरना फ्री के नंबर हैं फैक्टरिंग के। बिल्कुल इस फॉर्मेट के इधर उधर कोई क्वेश्चन नहीं बनता फैक्टरिंग का, बट लेकिन ये अजम्पशन की वजह से ये क्वेश्चंस बिल्कुल टेढ़े हो जाते हैं। अदरवाइज अब देखो कैलकुलेशंस इतनी आसान है, हर चीज की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में होगी, लेकिन वो अजम्पशंस की वजह से आंसर्स डिफर कर जाते हैं। चलिए यहां तक ठीक है। अब सुनना, मुझे अभी इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता कि सेविंग होगी या एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, तो आप दो एक लाइन का यही गैप छोड़ेंगे, फिर हम बी हेडिंग डालेंगे कॉस्ट। बी हेडिंग डालोगे आप कॉस्ट, कॉस्ट कमीशन हमें पता है कि देना ही देना है। बताइए रिकोर्स में कमीशन की रेट कितनी है? नहीं, कमीशन कमीशन 4.5% तो विदाउट रिकोर्स और 2.5% विथ रिकोर्स। तो अपना पहला कॉलम रिकोर्स का है, नॉन रिकोर्स का है, तो रिकोर्स में कितना कमीशन है बताइए, कितने पर? रिकोर्स में 1100 पर। आप जैसे ही फैक्टरिंग में जाओगे, ध्यान से सुनना, सेल 10% बढ़ जाएगी, तो फैक्टर अब आपसे जो कमीशन लेगा वो 1100 की सेल पर लेगा। इधर देखो बेनिफिट में 1000 क्यों लिया, क्योंकि ये बेनिफिट तब है, समझना ध्यान से, ये क्या बोलना चाह रहा है, ये किस चीज के बेनिफिट है कि अगर मैं फैक्टरिंग में जाऊंगा तो इन हाउस में सेविंग होने लग जाएगी। तो अगर मैं इन हाउस में रहता तो सेल 1000 ही रहती मेरी, तो मेरे बैड डेट्स 1000 पे ही होते ना, तो सेविंग भी 1000 पे ही होगी मेरी। दे नहीं रखा ना जीपी रेट वगैरह, कितना कमाओ, कितना कमा रहे हो आप, वो होता तो लेते एडिशनल ग्रॉस प्रॉफिट। बिल्कुल भाई सेल बढ़ रही है फैक्टरिंग की वजह से, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी कमा रहा हूं। अब इंस्टीट्यूट की गलतियां हैं ये, तो भाई आपकी सेल 100 से बढ़ रही है तो 100% फैक्टरिंग पर जाने का एक फायदा आपको होगा ग्रॉस प्रॉफिट का, लेकिन क्वेश्चन में जब रेट ही नहीं है जीपी रेट वगैरह, तो अपन ये तो लिख ही नहीं सकते ना कि 100 का पूरा फायदा हो जाएगा, 100 का हो ही नहीं सकता, तो रेट अपन अज्यूम ही नहीं कर सकते, तो अपने को इग्नोर करना पड़ेगा। जबकि यहां पर होना चाहिए था क्वेश्चन में कि आपका जो जीपी रेशियो है वो इतना परसेंट है, तो हम ये लेते कि जितनी सेल्स बढ़ रही है फैक्टर की वजह से उस पर जीपी का मुझे फायदा हो रहा है। तो लिखेंगे रिकोर्स में कितना है, 1100 पे 2.5, तो 1100 पे 2.5, 1100 इंटू 2.5% 25, और यहां पर 1100 पर 4. बस और कुछ है ही नहीं कॉस्ट में। चलिए यानी अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी है बस, फिर इंटरेस्ट का जो भी बेनिफिट या नुकसान आएगा वो हम लिख देंगे। हाँ इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन इन हाउस मैनेजमेंट, सबसे पहले अगर मैं इन हाउस पर था तो इन हाउस मैनेजमेंट, देखिएगा ध्यान से, मेरी क्रेडिट सेल्स कितनी थी, 1000,
इस क्रेडिट सेल के दो टुकड़े हो जाएंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो 10 दिन में पैसा देंगे, तो मेरा पैसा 10 ही दिन के लिए ब्लॉक होता है केवल, और कुछ ऐसे लोग हैं जो 90 दिन में पैसा देंगे। क्रेडिट पीरियड हालांकि 30 दिन था, बट जो एक्चुअल कलेक्शन हो रहा था वो 90 दिन में हो रहा था। चलिए, ये लोग तो हैं कितने परसेंट, और ये लोग हैं, चलिए पहले इसकी इंटरेस्ट कॉस्ट निकालते हैं, ध्यान से देखेंगे। 1000 का 40% कितना आ गया, 400 इंटू, बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 13.6 हमने अभी निकाली, लेकिन ये जो 400 है ये तो साल भर का है, तो पहले तो 10 दिन के निकालो कितने हुए, डेटर्स या रिसीवेबल्स। हाँ बिल्कुल, एवरेज देते हैं ना वो, एवरेज वर्ड यूज करते हैं, एवरेज का मतलब कि उनका एक पीरियड दे दिया आपको, वरना अलग अलग तो कैसे निकालोगे आप, तो इसलिए एक ही पीरियड लेते हैं अपन। बताओ 10 दिन के कितने हुए, 10 पॉइंट, थोड़ा आगे तक बोलना है, करोड़ में है ना, ठीक है, 9589, 10.9589, बस अब इंटरेस्ट कॉस्ट निकाल दो इस पर, 10.9589 इंटू 13.6%। डेटर्स, डेटर्स की वैल्यू जिस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं अपन, ये लीजिए 1.4904, अब इधर आ जाओ, यहां पर डेटर कितने के हो गए, 600 के, डिवाइडेड बाय 365 इंटू 90 दिन, तो पहले तो बताओ कितने आए, 600 डिवाइड बाय 365 इंटू 90, 9452, इस पर 13.6% इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 147.9452 इंटू 13.6%, 20 पॉइंट, ये दोनों ब्याज जोड़ दो, ये आपका इन हाउस का टोटल ब्याज आ गया, कि अगर आप इन हाउस पर रहते हो तो एक तो इंटरेस्ट कॉस्ट ये आ रही है और एक इंटरेस्ट कॉस्ट ये आ रही है, 21 पॉइंट, देख लीजिए यहां तक, ये मेरा इन हाउस का इंटरेस्ट आ गया। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन कितना भी बड़ा आ जाए इनके अलावा कोई कैलकुलेशन नहीं बनती है, तो अगर अजम्पशन सही लगाओगे तो मुश्किल से ये क्वेश्चंस आपके 10-12 मिनट के एक पार्ट होता है बस। बोलिए यहां तक क्लियर, इंटरेस्ट निकाल लिया, 10 दिन के लिए अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया हमने, और 90 दिन के लिए हमने अलग इंटरेस्ट निकाल लिया। अब हम आएंगे फैक्टरिंग अरेंजमेंट पर, फैक्टरिंग पर ध्यान से देखना। अब फैक्टरिंग में थोड़ी सी कैलकुलेशन, क्योंकि एक रिकोर्स है और एक नॉन रिकोर्स है, दो अलग अलग फैक्टरिंग है तो दो अलग अलग इंटरेस्ट के चार्ट बनेंगे आपके, रिकोर्स में इंटरेस्ट कॉस्ट और नॉन रिकोर्स में इंटरेस्ट कॉस्ट। पहले तो रिसीवेबल्स निकाल लेते हैं, रिसीवेबल्स, फैक्टरिंग ने गारंटी दी थी 30 दिन की, तो लीजिए रिसीवेबल आ गए 1100 की सेल 365 इंटू 30, ये तो रिसीवेबल का अमाउंट बनेगा। फैक्टरिंग कोई सी भी हो, रिसीवेबल की गारंटी 30 दिन की है, फोर वन जीरो नाइन
इधर यही रहेगा, वो अपने को 30 दिन में नहीं देगा, वो तो हमें एडवांस दे रहा है, उसने डेटर को बोला है कि अब तुम्हारा पीरियड कम हो गया और 30 ही दिन रह जाएगा, वो 30 दिन में कलेक्ट कर लेगा वो लोगों से पैसा। तो बेसिकली हमारा जो वो हमसे जो ब्याज लेगा वो 30 ही दिन के लिए ले सकता है भाई, 30 दिन बाद तो उसको भी मिल गया ना भाई, उसने तो हमें आज एडवांस दे दिया, लेकिन अब उसे डेटर से पैसा कब मिलेगा, 30 दिन बाद। तो व्हाट डज इट मीन कि उसे 30 दिन का ही तो इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है, तो वो हमसे इसीलिए केवल 30 दिन का इंटरेस्ट ही ले सकता है बस। चलिए अब इसमें से माइनस सबसे पहले कमीशन, हम यहां मान रहे हैं अप फ्रंट, ये जरूर लिखना आप अप फ्रंट की अजम्पशन जब भी मानो कि कमीशन अप फ्रंट। बताएं कमीशन का अमाउंट, नहीं, क्या चीज, नहीं, अब तो एक पूरे का हर बार थोड़ी लेगा, इसी पर तो लेगा अब भैया, अगर हर बार वो 2-2.5% 1100 रुपये लेता रहेगा, अगला अगला जब रिसीवेबल क्रिएट होगा तब थोड़ी फिर उसे पूरे कमीशन वापस देंगे इसका भाई, समझो आज वो हमारे को, समझो आज वो हमें इतना ही पैसा तो एडवांस दे रहा है, तो इसी पर तो कमीशन लेगा हमसे, वो तो अपन एनुअल बना रहे हैं ऊपर वाला चार्ट, तो आप समझो ये चार्ट तो क्या बन रहा था आपका, पूरा एनुअल, ये मेरी बैड डेट्स की सेविंग वगैरह सब एनुअल थी, तो इसलिए कमीशन भी एनुअल आ गया, लेकिन ये चार्ट जो बन रहा है ना ये केवल पीरियडिक बन रहा है, नहीं, इंटरेस्ट नहीं, मैं तो कमीशन की बात कर रहा हूं अभी तो। हाँ बताओ कमीशन कितना बना, 2.26, तो यहां और 2627, 2003 इधर, फोर पॉइंट जीरो सिक्स एट फाइव, बताइए नेट अमाउंट क्या बना, नेट रिसीवेबल्स। एट्टी एट पॉइंट 1507, थ्री फोर टू फाइव माइनस रिजर्व, रिजर्व रिकोर्स में कितना परसेंट है, रिकोर्स में वो हमें 88 दे रहा है, तो इसका मतलब 12% रोक के रख रहा है, और उसमें वो हमें दे रहा है कितना 84, तो यानी उसमें 16% रोक के रख रहा है, तो इस वैल्यू का 12% और 16% निकालते हैं, 88.1507 का 12% और 86.3425 का 16%, बताओ कितना कितना आया, 13.8148, 5781, ये लीजिए, ये आ गया एडवांस फ्रॉम फैक्टर, दैट इज एडवांस फ्रॉम फैक्टर। एडवांस फ्रॉम फैक्टर, माइनस हो जाएगा 77.5726, 72. ये लीजिए इंटरेस्ट, रिकोर्स में 21 है और नॉन रिकोर्स में 22, तो ये 21% और ये 22%,
बताएं इंटरेस्ट कितना आया, 16.29, 2903, और इधर 3.95. ये तो इंटरेस्ट ही आएगा ना बस, केवल और अमाउंट। अब सुनना बहुत ध्यान से, इधर देखो, आपके इतने रिसीवेबल थे लेकिन रिस्क फैक्टर ने आपको मात्र इतना एडवांस दिया, अभी तो पैसा कम पड़ गया ना। समझो आपके पास रिसीवेबल स्टार्टिंग यहां से हुई थी, इसमें से फैक्टर ने इतना ही एडवांस दिया, तो रिमेनिंग अमाउंट को मैं इन हाउस से क्या करूंगा, अरेंज करूंगा। तो अब लिखो अमाउंट नॉट गिवन बाय फैक्टर, या ऑब्लिक अरेंज थ्रू इन हाउस, अरेंज थ्रू इन हाउस। कैसे निकालोगे, ये अमाउंट उठाओ और इसमें से जितना फैक्टर ने एडवांस दिया वो माइनस कर दो, रिमेनिंग मुझे इन हाउस से अरेंज करना पड़ेगा। बताओ कितना बचा, 9.12.8384, 13.6% की रेट से, और इधर 8829, 13.6 की रेट पर। तो एक इंटरेस्ट कॉस्ट ये आ गई, इंटरेस्ट कॉस्ट, दैट इज अवर इंटरेस्ट कॉस्ट। इधर 2.,74। अब टोटल इंटरेस्ट निकाल दो अंडर फैक्टरिंग अरेंजमेंट टोटल, इसको बी नाम दे देता हूं, और ये एक ए आया था मेरे पास, तो टोटल आ गया ए प्लस बी का, यानी 16.2903 प्लस 1.7460, 18.0363। इंटरेस्ट ही है तो इसमें कैलकुलेशन तो पूरी, कितना 18.388। अब कंपेयर करके देखो सेविंग है या, देखो अब रिकोर्स में आते हैं, पहले इन हाउस का कॉस्ट कितनी थी हमारी, इतनी, फैक्टरिंग की वजह से रिकोर्स में इतनी, नॉन रिकोर्स में इतनी, तो दोनों तरफ सेविंग है, तो अपने मेन स्टेटमेंट में लिख दो सेविंग इन इंटरेस्ट कॉस्ट, सेविंग इन इंटरेस्ट कॉस्ट, सेविंग निकाल लेंगे और सेविंग ऊपर चली जाएगी मेन स्टेटमेंट में। भाई इन हाउस में ज्यादा थी ना कॉस्ट आपकी, तो फैक्टरिंग में जाने की वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो गई, तो ये सेविंग का पार्ट बनेगा, सेविंग इन इंटरेस्ट कॉस्ट। बताएं कितना, 3.5746, 3.5746। अब नेट बेनिफिट निकाल लो, ये टोटल बेनिफिट्स आ गए आपके, और उसमें से एक नुकसान बस ये है, तो आपका फैक्टरिंग प्रपोजल का नेट बेनिफिट आ गया फाइन बैंक फैक्टर से।
इन हाउस में इतनी से इतनी इंटरेस्ट कॉस्ट लग रही थी और फैक्टरिंग की वजह से आपने इंटरेस्ट कॉस्ट ये निकाली, तो दोनों फैक्टरिंग की वजह से कम हो गई ना इंटरेस्ट कॉस्ट, तो सेविंग आ गई। बताओ नेट बेनिफिट कितना आ रहा है? दोनों में नेगेटिव आ रहा होगा। नेट बेनिफिट नॉन रिकोर्स इधर वाले में कितना? 277। ये लीजिए दोनों अरेंजमेंट में हमारा नेगेटिव अमाउंट। पूरा ऐसी ही वर्किंग किसके लिए बनेगी? रफ बैंक के लिए बनेगी पूरा। इसी तरह से रिकोर्स नॉन रिकोर्स पूरी इंटरेस्ट कॉस्ट निकालो इसको पूरा। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कॉस्ट। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। देखिएगा नोट्स के पेज नंबर 13 पर इसका एक पूरा फॉर्मेट मैंने आपको दिया हुआ है कि इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग कैसे निकालेंगे। उसी में से एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए इफेक्टिव कॉस्ट का एक फॉर्मूला दे रखा है, नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल एडवांस ग्रांटेड इनटू 100। तो ये एक पीरियडिक रेट आ जाएगी और इस रेट को एनुअलाइज कर देंगे डिवाइडेड बाय जितने पीरियड की ये रेट आई है इनटू नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। मतलब एनुअलाइज इफेक्टिव कॉस्ट आपको निकालनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला लगेगा नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल एडवांस ग्रांटेड इनटू 100 इनटू नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय पीरियड। यानी इसमें दो फैक्टर आपको निकालने हैं, एक तो नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग और एक एक्चुअल एडवांस ग्रांटेड। तो नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग तो अभी अपन ने ऊपर निकालनी सीख ही ली। देखो मैंने फॉर्मेट दिया हुआ है, सबसे पहले लिखेंगे बेनिफिट्स फ्रॉम द फैक्टरिंग, वही सेविंग इन बैड डेट्स, सेविंग इन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेविंग इन इंटरेस्ट कॉस्ट और अदर बेनिफिट्स। माइनस करोगे कमीशन, इंटरेस्ट चार्ज बाय फैक्टर, अदर कॉस्ट, तो आपके पास ये नेट कॉस्ट आ जाएगी। बट एक पॉइंट, आप ये जो नेट कॉस्ट का स्टेटमेंट अभी बना रहे थे ये एनुअलाइज्ड बन रहा था आपका, क्योंकि अब मुझे इफेक्टिव कॉस्ट पहले पीरियडिक निकालनी है तो मुझे इस नेट कॉस्ट को पीरियड पे ले जाना पड़ेगा। यानी ये जो नेट कॉस्ट आई है पूरे साल भर की आई होगी। अब मान लो मेरा जो क्रेडिट पीरियड है वो 40 दिन का है, तो यानी मुझे 40 दिन की पीरियडिक कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो नेट कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डेज से और मल्टीप्लाई कर दोगे क्रेडिट पीरियड से, तो ये आपके पास पीरियडिक कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। अब हमें निकालना है एक्चुअल एडवांस ग्रांटेड। ये कैसे निकलेगा देखिएगा, सबसे पहले एवरेज एज ऑफ रिसीवेबल्स, यानी जैसे हमने अभी रिसीवेबल्स निकाले थे, लेस करेंगे फैक्टरिंग रिजर्व, लेस करोगे फैक्टरिंग कमीशन वेदर अपफ्रंट और नॉट। यहां पर ब्रैकेट डाल के लिख लेना फैक्टरिंग रिजर्व इज ऑन अमाउंट ऑफ रिसीवेबल। यह हमारे इंस्टीट्यूट की एक ही अजम्पशन है इस पूरे क्वेश्चंस में। यहां पर जो फैक्टरिंग रिजर्व निकालोगे वो कमीशन लेस करके नहीं निकालोगे, कमीशन ओरिजिनल रिसीवेबल पर ही निकाला है हमारे इंस्टीट्यूट ने। फैक्टरिंग रिजर्व ब्रैकेट में लिख लो ऑन, एक बार लिख लो इसको, नोट डाल के लिख लो ताकि वो नोट्स में फिर आप इसको लिख लेना। फैक्टरिंग रिजर्व ऑलवेज ऑन टोटल अमाउंट ऑफ रिसीवेबल्स। अभी पिछले में तो हमने नेट पर निकाला था, इसमें टोटल पे निकालना है। हाँ,
फिर कमीशन माइनस करोगे वेदर अपफ्रंट और नॉट, क्योंकि हम कॉस्ट निकाल रहे हैं तो कमीशन तो हर हालत में माइनस होना है, चाहे अभी दो चाहे मत दो। तो ये कहलाता है अमाउंट एलिजिबल फॉर एडवांसेस। देन इसमें से एक और चीज आप लेस करोगे, इंटरेस्ट चार्ज बाय फैक्टर। कैसे निकलेगा? एलिजिबल अमाउंट ऑफ एडवांसेस इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू पीरियड। तो आपके पास आ जाएगा एक्चुअल एडवांस ग्रांटेड, ये हमारे पास आएगा एक्चुअल एडवांस ग्रांटेड, और इस पर हमें हमारी इफेक्टिव कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। ये मेथड वो है जो अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर फॉर्मेट हर क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने अप्लाई किया है। क्वेश्चन कैसा भी आए, अगर इफेक्टिव कॉस्ट उसने मांगी है तो आपको इसी फॉर्मेट से निकालनी है। जितनी बार भी इफेक्टिव कॉस्ट के क्वेश्चन आए, इंस्टीट्यूट ने यहां पर कोई भी अजम्पशन अपनी चेंज नहीं की। हाँ, यहां पर हमेशा रिसीवेबल पर ही निकालना पड़ेगा। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, इसने लास्ट लाइन देखो, कैलकुलेट इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग मांगनी है। चलिए सबसे पहले वही स्टेटमेंट ऑफ नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग बनाएंगे। स्टेटमेंट शोइंग नेट कॉस्ट, दो वर्किंग बनानी है बस, एक नेट कॉस्ट एक एडवांस ग्रांटेड। ए बेनिफिट्स, देखो क्या बोल रहा है ये, टोटल सेल्स 3.2 है, एवरेज कलेक्शन पीरियड 90 डेज है, बैड डेट्स 1.5% है, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट 5 लाख है। फैक्टर इज प्रिपेयर्ड टू बाय फ्रॉम रिसीवेबल बाय चार्जिंग 2% कमीशन। फैक्टर जो एडवांस देगा उस पर 18% चार्ज करेगा आफ्टर विथ होल्डिंग ऑफ 10% एज रिजर्व। कैलकुलेट इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, क्वेश्चन इज साइलेंट, तो कौन सी मानोगे, रिकोर्स के नॉन रिकोर्स? मैंने आपको बोला था कि अपने को हमेशा क्या अज्यूम करना है, और ये अजम्पशन आपको डालनी है पेपर में कि सिंस क्वेश्चन इज साइलेंट तो वी अज्यूम फैक्टरिंग इज नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। चलिए, तो नॉन रिकोर्स है तो क्या बैड डेट्स की सेविंग होगी? सबसे पहले लिखो सेविंग इन बैड डेट्स, निकाल दो कितनी सेविंग होगी, 3.5 करोड़ पर 1.5%, 3 करोड़ 50 लाख इंटू 1.5% कितना आ गया, 4,80,000। अच्छा 320 है क्या, सेविंग इन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितनी है, तो 5 लाख की ये सेविंग हो गई। बस दो ही सेविंग है आपके पास, क्योंकि इंटरेस्ट में तो इस बार पक्का ही पता है मुझे कॉस्ट आएगी, क्यों, क्योंकि इनहाउस की कोई इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं दे रखी और फैक्टर की इंटरेस्ट कॉस्ट, तो बताइए ये कितना आ गया, 9 लाख। अब भी हेडिंग लिखो कॉस्ट्स, सबसे पहले कमीशन निकालो, नहीं कोई जरूरी नहीं है, आजकल इंटरेस्ट फ्री लोन भी मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं इंटरेस्ट फ्री लोन, इसलिए अब ये चीज नहीं मान सकते कि कुछ ना कुछ कॉस्ट, अगर उसको देनी होती तो वो दे देता, कि अगर उसको लगवाना होता ऊपर भी तो वो ये लिख देता कि दोनों में इतनी लग रही है, नहीं दी तो इसका मतलब कोई कॉस्ट नहीं आ रही होगी इन हाउस की अभी हमारी। हो सकता है मे बी पॉसिबल मैं ओन फंड यूज कर रहा हूं, मैं लोन ले ही नहीं रहा हूं इन हाउस में, भाई मेरे पास अर्निंग्स इतनी थी कि मैं उसी से अपना वर्किंग कैपिटल का पैसा निकाल पा रहा हूं। कमीशन कितना बन रहा है, 6 लाख
40,000। चलिए अब इंटरेस्ट निकालना है, तो पहले इंटरेस्ट के लिए वही चार्ट बनेगा आपका। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल एडवांस ग्रांटेड ले लेते हैं, उसी में सारी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। एक्चुअल एडवांस ग्रांटेड सबसे पहले रिसीवेबल्स, आपकी सेल है 3,20,00,000 की, 360 डेज बोला है शायद उसने है, और इनटू 90 कितना 80 लैक्स। इसमें से लेस करो एक तो रिजर्व और एक कमीशन, माइनस रिजर्व कितना है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, दोनों वैल्यू इस पर निकलेंगी अब तो। और कमीशन 160 माइनस कमीशन 1,60,000, नेट कितना आया, ये आ गया अमाउंट एलिजिबल फॉर एडवांस, अमाउंट एलिजिबल और एडवांस कितना 70 लाख। इसमें इंटरेस्ट, सेवेंटी लैख 40,000 इंटू रेट कितनी है, इंटू 90/360, 316। तो ये एक्चुअल एडवांस ग्रांटेड आ जाएगा, एक्चुअल एडवांस ग्रांटेड कितना 67। अब ये इंटरेस्ट कॉस्ट ऊपर लिखनी है, लेकिन ध्यान रखना ऊपर एनवलाइज जाती है, ये 90 दिन की आई है तो इसको एनवलाइज कन्वर्ट कर दो, इंटरेस्ट कितना 1,267,200, नेट कॉस्ट ये कितना आ गया पहले टोटल 2,070,19,07,200 नेट कॉस्ट 9। और ये तो आई होगी साल भर की, तो पहले 90 दिन की निकाल लो, नेट कॉस्ट फॉर 90 डेज, टू 31,800। वापस एक बार देख लेंगे, देखो हमने एक्चुअल एडवांस ग्रांटेड की वर्किंग बनाई, यहां इंटरेस्ट निकला, लेकिन ये इंटरेस्ट पीरियडिक है क्योंकि 90 दिन का निकला, और हमारा जो ऊपर स्टेटमेंट बन रहा है वो एनवलाइज्ड बन रहा है, तो मैंने उसको एनवलाइज कर लिया। देन मेरे पास नेट कॉस्ट आ गई, और नेट कॉस्ट को मैंने वापस पीरियडिक में कन्वर्ट बना सकते हो, बट उसमें क्या होगा पता है, हर अमाउंट को, क्योंकि बैड डेट्स हमेशा एनवल होते हैं, सारी चीजें एनवल होती है, तो हर एक एक को कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा, और अगर हम पहले पूरा नॉर्मल चार्ट बनाएंगे तो एक ही फॉर्मेट भी याद रखना है बस अपने को, भाई एक साथ पूरे को कन्वर्ट कर देंगे ना अपन, वरना इंडिविजुअली बेड डेट्स को कन्वर्ट करोगे, मान लो कोई कैश डिस्काउंट आ गया उसको करोगे। अब मैं कुछ बताऊं, इसको बिना पीरियडिक करोगे तो भी आंसर वही आता है,
मैं अगर इसको पीरियडिक नहीं लूंगा ना तो भी आंसर सेम आएगा. अगर आपने मान लो नेट कॉस्ट इसी पर निकाल दिया आंसर, इफेक्टिव कॉस्ट, तो भी आंसर सेम आ जाएगा. वो बस इसलिए अपन, क्योंकि बाद में पीरियडिक को वापस एनालाइज तो कर ही रहे हैं ना, तो इसलिए. बट एक प्रेजेंटेशन में वो ले रहा हूं जो ठीक है कि सही एक वो है. एक बार देख ले नेट कॉस्ट आ गई क्या यहां तक. बस अब इफेक्टिव कॉस्ट का फॉर्मूला लगा दो. ये 6 नंबर का आता है और मैक्सिमम टाइम पर यही आता है आपके एग्जाम में, इफेक्टिव कॉस्ट के ही क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा. और ये 6 नंबर का क्वेश्चन आपका एक बनता है. बताइए नेट कॉस्ट आई 231,800 डिवाइड बाय एक्चुअल एडवांस ग्रांटेड 6,723,200 इंटू 100 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 90. ये आपकी इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग आ जाएगी 13.79%. ये आपका आंसर. ये 90 दिन की कॉस्ट आई, ये 90 दिन का था ही एक्चुअल एडवांस ग्रांटेड, ये तो वैसे भी 90 दिन का ही था, तो ये जो यहां से रेट आई वो भी 90 दिन की आई, और 90 दिन की रेट को एनुअलाइज रेट पर हमने कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आंसर एनुअलाइज ही कोट करना होता है आपको. क्या चीज रिसीवेबल पे थोड़ी है मानेंगे, कॉस्ट तो उतने पर लगती है ना जितना हमें मिल रहा है. आप मुझे एक बार बताओ, जब फैक्टर ने मुझे एडवांस ही इतना दिया तो मेरी जो इफेक्टिव कॉस्ट है वो तो बढ़ जाएगी ना. अगर टोटल बिल लूंगा तो मेरी इफेक्टिव कॉस्ट तो बहुत नीचे आ जाएगी फैक्टरिंग की. एक्चुअल में तो फैक्टर ने मुझे इतना ही पैसा दिया ना, बाकी तो कमीशन काट लिया उसने, तो मैं उस पैसे पर कॉस्ट कैसे निकाल सकता हूं जो मुझे मिला ही नहीं. ये फैक्टरिंग में जाने की मेरी इफेक्टिव कॉस्ट है कि अगर मैं फैक्टरिंग के ऑल्टरनेटिव पर जाता हूं तो एनुअलाइज्ड मेरे ऊपर 13.79% का खर्चा आ रहा है. तो ये कंपैरेटिवली इजी पड़ता है ये वाला अगर क्वेश्चन आता है, और ये आता भी 6 नंबर का है. फिर आपका देख लो एक बार ध्यान से इसको, इफेक्टिव कॉस्ट के पॉइंट को.